नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं मेन गेट से जुड़े हुए पांच उपाय जो घर दुकान में नहीं आने देते हैं दुर्भाग्य या कोई भी परेशानी, यानी कि वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ ये आज का एपिसोड है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से वास्तु शास्त्र के कुछ नियम। घर का मेन गेट बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा एनर्जी घर में प्रवेश करती है। इसी कारण से घर का मेन गेट भी घर परिवार के दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। इससे बचने के लिए वास्तु की मदद ली जा सकती है। वास्तु में कुछ ऐसी आसान बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो घर में खुशी और सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। आइए जानते हैं पहला प्रयोग, दरवाजा और विंड चाइम। घर के मेन गेट पर 6 छड़ वाली धातु की बनी चाइम लगानी चाहिए। विंड चाइम वास्तु दोषों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी खनखनाहट से मेन गेट के आसपास के बुरे प्रभाव दूर होते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा है दरवाजे का रंग। मेन गेट का रंग गहरा मैरून, येलो या रेड होना चाहिए। ऐसा होने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर ऐसा करना संभव न हो तो गेट पर इनमें से किसी रंग की पेंटिंग या कोई शोपीस टांग देना चाहिए। इसके अलावा मेन गेट और शुभ चिन्ह। जी हाँ, घर के मेन गेट पर पवित्र चिन्ह जैसे ओम, श्री गणेश, स्वास्तिक, शुभ लाभ इत्यादि बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और बुरी नज़र से घर की रक्षा होती है। इसके अलावा मेन गेट और सजावट का ख्याल। जी हाँ, मेन गेट के बाहर ऊपर की ओर वंदरवार लगाना चाहिए। वंदरवार अशोक के वृक्ष की पत्तियों से बनी हो तो बहुत शुभ रहेगा। अगर ऐसा न कर सकें तो बाजार में मिलने वाले वंदरवार भी लगा सकते हैं। दरवाजा और पौधे। जी हाँ, मेन गेट के आसपास तुलसी का पौधा या चमेली की बेल रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली सारी निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है और गलत दिशा में बने दरवाजे के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं आप इसकी मदद से। यदि आप अपने घर का मुख्य द्वार बनवाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर का मुख्य द्वार अन्य सभी दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए। शुभ फल प्राप्ति के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार हमेशा दो भागों में खुलने वाला ही बनना चाहिए। वास्तु में ऐसे द्वार को शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के समीप तुलसी का पौधा लगाना वास्तु के अनुसार शुभ फलदायक होता है। जी हाँ, तो इन नियमों का पालन करके आप घर में सुख समृद्धि का वास करा सकते हैं। ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि वास्तु शास्त्र से रिलेटेड था। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ अब जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर बहुत सारे लोगों को लाभ पहुँचा सकता है। और इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दें, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।